वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली, पर दिल्ली की जो ट्रेन है वो हमारे शाम के 6:30 बजे है, तो तब तक बहुत सारे यहाँ पास जगह हैं जो हम लोगों ने घूमा नहीं है, तो हम लोग सारा घूमेंगे, उसके बाद फिर शाम 6:30 बजे का ट्रेन लेके वापस दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से फिर रांची की ओर जाएंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहना, क्योंकि अभी बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ये, और हम लोगों ने सारा बैग भी पैक कर लिया है और अब हम यहाँ से चेकआउट भी करने वाले हैं। सो फिर मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं फिर। हम यहाँ स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आए थे, क्योंकि जितने भी घूमने वाली जगह थी वो आसपास ही थी, एंड थैंक गॉड हमें एक स्कूटी मिल गई, वो भी काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद 300 में मिल गई। और हम पहुँच गए सिटी पैलेस। और ये रहा रॉयल सिटी पैलेस, काफ़ी बड़ा है, भव्य है और बहुत ही सुंदर है। आके जाते हैं और देखते हैं कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी और बैंगल्स की दुकानें हैं, अगर आप कभी आओ तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स भी मिल जाएंगे। ये है सिटी पैलेस का मेन गेट, यहाँ पे लिखा है तोरणपाल मीन्स ग्रेट गेट। यहाँ पे आप देख सकते हो परियों की पेंटिंग की हुई है। इस पैलेस को महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था और ये टाउन को भी उन्हीं ने बसाया था, और उन्हीं के नाम पे ये टाउन का नाम उदयपुर रखा गया था। टाइमलाइन ऑफ द महाराणाज ऑफ मेवार, यहाँ पर जितने भी राजा थे उन सभी के बारे में लिखा हुआ है, उन सभी की पिक्चर है, और ये हल्दी घाटी पे जो वार हुई थी उसकी पेंटिंग है। आप जैसे ही पैलेस एंटर करते हो हर एक फ्लोर जाने के लिए आपको ऐसी ही पतली सी सीढ़ी मिलेगी। ये है महाराणा प्रताप जी का आर्मर, जब वो युद्ध में जाया करते थे तो उनसे पहले ये पहन लिया करते थे। ये पूरी मेटल की बनी हुई है। और यहाँ पे उनका शील्ड रखा हुआ है, और ये है उनकी तलवारें, दो तलवार यहाँ पे और एक तलवार ये है। यहाँ पे उनकी तीर और धनुष रखी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी का वेट 35 kg है। गांधी जी का चश्मा, पर ये रियल वाली नहीं, रियल वाली है। और आप यहाँ से देख सकते हो लेक पिचोला के काफ़ी अच्छे व्यू, यहाँ से बहुत सारे पैलेसेस भी दिखते हैं। और ये प्राचीन ताला है, पहले के समय में ये यूज होता था। इसमें बाढ़ आ चुका था, ठीक है, और महाराणा फतेह सिंह जो थे ना वो बाढ़ में क्रॉस कर रहे थे अपने घोड़े के साथ। यहाँ पे देखिए आप कितना सुंदर बगीचा बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये है कबूतरों का घर जिसे पत्र भेजने के लिए यूज किया जाता था। कबूतर जा जा जा।
ये है राजा फतेह सिंह और ये है उनकी गद्दी। पीछे आपको दो घोड़े दिख रहे हैं, ये दो घोड़े किंग एडवर्ड ने गिफ्ट में दिए थे, जिनमें से एक घोड़ा है ये और दूसरा घोड़ा जो है ये, इसका नाम खुद ही अपने आप में ही एक्सपर्ट है। यहाँ से आप लाइटें देख रहे हो, अलग प्रकार के रंग बिरंगी आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हो ये महाराणा प्रताप है, ये टाइगर को शूट कर रहे हैं। और ये है शीश महल, ये पूरा शीशों से बना हुआ है और जैसे इस पर लाइट एंटर कर रही है ये और भी ज़्यादा सुनहरा होते जा रहा है। यहाँ पे हर एक जगह पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की हुई है ना कि आप देख के खुश हो जाओगे। ये यहाँ पर भी बहुत सारे पेंटिंग्स किए गए हैं। और ये है लाइब्रेरी जो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे जो नीले रंग के टाइल्स है ये चाइना से इंपोर्ट कराया गया था। यहाँ से आप उदयपुर सिटी पूरा देख सकते हो। ये हिल है जिसे मचला हिल कहते हैं, यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है। ये हाथी दांत का पुराना दरवाजा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसे बनाने के लिए कितने हाथियों के दांत लगाए गए होंगे। ये है राजा जी का बेड, उनका व्हील चेयर, शायद ये डाइनिंग हॉल है, आई डोंट नो। और अगर आप इस तरफ आते हो तो आपको उनका वॉशरूम दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले भी शायद वेस्टर्न चलता था। और ये है वेट मशीन, ये है बर्तन जिसपे राजाओं के लिए खाना बनता था और शायद सारे पीतल के बर्तन हैं। और यहाँ पे है उन लोगों का चूल्हा। ये गॉसिप रूम था, यहाँ पर सब गॉसिप करते थे, वहाँ पर राजा बैठते थे, यहाँ पर उसके मेल मेल आदमी लोग बैठते थे। वो सगड़ी है, पता नहीं सगड़ी क्या होता है, और ये पहले समय का पंखा है। ये 16th सेंचुरी में सिटी पैलेस कैसा दिखता था उसका मॉडल है। और ये है 17th सेंचुरी का और ये मॉडल है 18th सेंचुरी का। यहाँ पे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। फाइनली कुछ रियलिस्टिक फोटो देखने को मिली हमें। ये है अभी के राजा रानियों के फोटोज। फाइनली डॉली मिट डॉली। ये है राजाओं के क्लोथ्स, यहाँ पे छोटे बच्चों के भी क्लोथ्स हैं। यहाँ पे सिल्वर के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं और शायद ये पालकी है आई गेस। ये है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक जो बिल्कुल रियल लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए थे स्टोन पे। वेल, मैंने सोचा था कि ये वीडियो में छोटा बनाऊंगी, पर ये काफ़ी बड़ा बन गया क्योंकि ये जगह इतनी बड़े थे कि हमें घूमते घूमते ही 2-3 घंटे हो गए। सो बाकी की वीडियोज़ मैं नेक्स्ट पार्ट पर बनाऊँगी, तब तक के लिए टाटा।